अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज का जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट करूंगी, अनबॉक्सिंग वीडियो है मोबाइल की, गैलेक्सी A14 की। मैंने अभी बाय किया है तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली मुझे जो है ना इसके फीचर्स के बारे में इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं था। तो मैंने अपने भाई को कहा है कि आप जो है मुझे इसके बारे में जो है हर एक इसकी कैमरा रिजल्ट कैसा है, इसकी जो है ना वो फीचर्स पूरे कम्प्लीटली आप मुझे गाइड करें कि इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स हैं। तो अब मेरे जो भाई हैं रायद इकबाल, वो आपको जो डिटेल में सारी जो है ना बताएँगे इस कैमरे के बारे में, गैलेक्सी A14। अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास आज जो डिवाइस है वो है सैमसंग गैलेक्सी A14। ये हमारे पास जो वेरिएंट है वो 4GB/128GB वाला है। इसमें पाकिस्तान में दो वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, 4GB/64GB वाला, लेकिन हमारे पास जो है आज वेरिएंट है वो 4GB/128GB वाला है। और इसकी जो मेन हाइलाइट्स है वो बॉक्स पे तो नहीं है, और दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स राइट नाउ। तो अभी इसको हम फौरन से बस अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, तो बाकी के स्पेसिफिकेशन होंगे आई गेस वो अंदर ही लिखे होंगे। तो अब हम इसको फौरन से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी हम डिवाइस निकाल के देख लेते हैं, पहले बॉक्स देखते हैं कि बॉक्स में क्या है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन इसमें है। हमारे पास एक केबल है जो कि C Type 2 है। चलें, ये बहुत अच्छा है कि अब सैमसंग ने फाइनली अपने सारे मोबाइल्स के अंदर सी टाइप ही कर दिया है, क्योंकि ये एक एंट्री लेवल डिवाइस है फ्रॉम सैमसंग और इसमें भी सी टाइप है। तो ये अच्छा है कि सैमसंग ने माइक्रो USB को डिस्कार्ड कर दिया है, और ये कुछ पेपर वर्क हैं। इसके अलावा हम कोई कवर सिलिकॉन नहीं, हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि कोई सिलिकॉन कवर होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही है। तो अब ये आ गई हमारे पास एक डिवाइस। तो ये अब हमारे पास जो है डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A14, इसमें जो मेन हाइलाइट्स ऊपर शो हो रहे हैं वो इन्फिनिटी वी डिस्प्ले है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है और फिंगरप्रिंट भी है। अब ये देखना है कि इसका जो फिंगरप्रिंट है वो इन डिस्प्ले है, क्योंकि मुझे बैक साइड पर तो नज़र नहीं आ रहा। सो अब मैं इसको यहाँ से इसका प्लास्टिक रिमूव करके देखता हूँ डिवाइस को। बिल्ड क्वालिटी में तो काफ़ी प्रीमियम डिवाइस लग रही है। बैक इसका पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है प्लास्टिक, एंड विद बॉर्डर्स भी इसके पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के हैं, विद द माइक्रो सी टाइप केबल, स्पीकर ग्रिल एंड हेडफोन जैक। और इसके बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है। ये जो इसका मेन सेंसर है वो 50 MP का है, विद एन 8 MP अल्ट्रा वाइड एंड 2 MP मैक्रो सेंसर। और बस, और सिम, पहले इसके हम सिम सेटअप देख लेते हैं कि इसमें, और जब तक ये कैमरा सेटअप होता है मैं आपसे दोबारा से मिलता हूँ। हमारा फ़ोन अब सेटअप हो चुका हुआ है, तो मैं इसका जो है सेटिंग्स वगैरह चेक कर लेता हूँ। इसमें जो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड हमें मिला है वो है एंड्रॉयड 13, और हमें मिला है सैमसंग का One UI 5.1, जो कि लेटेस्ट इस वक्त की सैमसंग की UI है। और इसमें डुअल सिम हमारे पास ऑप्शन है, और इसका जो है टच रिस्पॉन्स बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि 90 हर्ट्ज़ होने की वजह से इसका जो टच फ्लुएंसी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम इसके आपको ये देखें, इसकी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और इसका भी फिर कैमरा टेस्ट कर लेते हैं फौरन से। थोड़ा सा आपको कैमरा में जस्टिफाई नहीं हो रही होगी इस वक्त, लेकिन जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है, जो इसकी स्क्रीन की शार्पनेस है, वो सैमसंग की डिवाइस होने की वजह से इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है और जो स्क्रीन की शार्पनेस है वो तो वैसे ही टॉप नॉच है। इसका कैमरा हमने मेन सेंसर चेक कर लिया, अब हम इसका जो है डेप्थ सेंसर चेक कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर क्वालिटी है इसकी हमारे पास। तो दैट इज़ प्रीटी मच इट फ्रॉम द फ़ोन। बाकी इंशाल्लाह जिसको मैं थोड़ा सा और यूज़ करके इसको अब मैं यूज़ करूँगी और इसकी क्वालिटी पता चलेगी कैसी है, इसके फीचर्स, कैमरा क्वालिटी कैसी है। और आप कमी वीडियोस आप देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो की जो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। इससे आइडिया हो जाएगा कि A14 जो है इसका रिज़ल्ट कैसा है। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं और किसी अच्छे से व्लॉग में। डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक प्लीज़, शेयर विद अदर्स। मिलते हैं किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।